मां अन्नपूर्णा की नगरी में श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र की आज पुनः शुरुआत हुई है। धनतेरस से एक दिन पूर्व अन्न क्षेत्र एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। कोविड की दूसरी लहर के बाद से ये अन्न क्षेत्र बंद था। भक्तों को इंतज़ार था कि ये अन्न क्षेत्र कब से शुरू होगा, तो भक्तों ने यहाँ पर खाना भी खा लिया है, अन्न को ग्रहण भी कर लिया है। तो किस तरह के भाव मन में आए जब आप अन्न क्षेत्र में पहुँचे? सर, ये क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर का अन्न क्षेत्र लास्ट टाइम भी हम लोग आया था मार्च में, कोविड को पहले। ये अन्न क्षेत्र नाटकोट छत्रवाला चलाता है, उन लोग इधर साउथ इंडियन खाना बना के बहुत अच्छा खिलाते हैं। क्यों है तो लोग साउथ इंडिया से आने वालों को इधर खाने का थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अभी बाबा का वजह से वो खाना का बहुत पसंद है। इधर क्या है, मेन है साउथ इंडियन लोग ज़्यादा आते हैं। क्यों है तो केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना। क्यों है तो मंदिर में क्या है, एक सर्वे लिया था, उसमें कौन सा टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं उस टाइम से देखने में, इधर से ये स्टेट से वो लोग बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसलिए क्या है, बाबा का भोग इधर सब देने के लिए नाटकोट चत्रम वाला क्या कर रहे हैं, 203 ईयर से, 203 साल से काशी विश्वनाथ मंदिर का चार आरती उन लोग ये करवा रहे। इसी वजह से बाबा इन लोग को ये काम करने के लिए दिया है, इसी वजह से इन लोग ये कर रहे हैं। इसी वजह से निश्चित तौर पर भक्तों को प्रसाद मिल रहा है। तो भक्तों के मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं यहाँ पर अन्न क्षेत्र, बाबा का प्रसाद और भक्तों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है? कोविड की दूसरी लहर के बाद यह अन्न क्षेत्र बंद था, कितना इंतजाम? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई टॉक इन इंग्लिश? सॉरी, आप बताइए कि किस तरह का उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत दिन से ये बंद रहा और फिर चालू हुआ है, तो इसका उत्साह तो रहेगा ही। तो जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस अन्न क्षेत्र में आ रहे हैं और इसके साथ ही जो अन्न है, जो प्रसाद है, उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हम लोगों ने कोरोना से पहले हम लोगों ने इस काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र की शुरुआत की थी, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण यहाँ पे होता था, परंतु कोविड की महामारी के कारण इसको बंद करना पड़ा, चूँकि सामूहिक गैदरिंग में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता था, इसलिए उसको बंद किया गया था। परंतु वर्तमान में प्रदेश सरकार के कोविड जो प्रोटोकॉल है उसके शिथिलीकरण के कारण पुनः इसको आरंभ किया गया है और आज इस शुभ अवसर पर आज ये हम लोग अन्न क्षेत्र पुराना आरंभ कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के उपरांत यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पर कुछ अत्याधुनिक मशीन भी लगाई गई है, जिससे कि बहुत साफ़ सुथरे ढंग से और जल्दी बहुत अच्छा भोजन यहाँ पर पकाया जा रहा है और आने वाले समय में इस अन्न क्षेत्र का और विस्तार किया जाएगा। और जैसा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी एक हम लोग भोगशाला बना रहे हैं और उन दोनों को लिंक करके एक अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास किया जाएगा। धनतेरस की पूर्व संध्या पर हम कहें इसका एक बार फिर से पुनः संचालन शुरू हुआ, तो इस बार नई व्यवस्था में हमने ये देखा कि टेबल भी लग गया, तो क्या है नई व्यवस्था? इसमें बहुत सारे बाबा के ऐसे भक्त हैं जो समय समय पर बाबा के मंदिर के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार लोग कुछ अपना समर्पण करते हैं और उसी कड़ी में हमारे तमिलनाडु के कुछ श्रद्धालु ने यहाँ पर कुछ अच्छी मशीनें और यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी और सर्व करने के लिए टेबल और ट्रॉली का जो उन्होंने इंतज़ाम किया है। और इसी तरह से आने वाले समय में भी हमें पूरा विश्वास है कि जो बाबा के भक्त हैं वो लोग अपनी श्रद्धा अनुसार इस अन्न क्षेत्र को और विस्तारित करने के लिए हम लोग का सहयोग देते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।